हाँ जी देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सर्विस कंडीशन है क्या, मार्केट कंडीशन है क्या, या मार्केट से अदर कोई फैक्टर है क्या। तो आप लोगों ने देखा था अगर वेस्टिंग कंडीशन है तो वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, प्री डिसाइडेड रहता है पहले से। परफॉर्मेंस कंडीशन है, उसमें अगर मार्केट कंडीशन हुआ तो डिपेंड करता है कि हाँ, अगर ऑलरेडी एस्टिमेटेड टाइम दे रखा है उसके बाद आपको शेयर दिए जाएं कुछ ले सकते हैं, तब तो वही टाइम आपको कंसिडर करना है एज अ वेस्टिंग पीरियड। और अगर आपको बोला कि हाँ जब चाहो, जब फुलफिल हो जाए तब आ जाना, तो उसमें भी एक एस्टिमेशन ऑलरेडी रहता है। उस एस्टिमेशन से अगर पहले कंप्लीट हो जाता है तो सारा पहले ही बुक कर लेंगे, पहले तो नॉर्मल तरीके से चलेंगे, फिर लास्ट ईयर में सारा बुक कर लेंगे। और अगर एस्टिमेशन से ज़्यादा टाइम लग जाता है तो भी हम ज़्यादा पे नहीं जाएंगे, जितना हमने नॉर्मल एस्टिमेट किया था उसी के अंदर हो जाएगा। फिर परफॉर्मेंस कंडीशन देखा था, उसमें बोला था क्या लेटेस्ट एस्टिमेट गिवन है या नहीं है। अगर एस्टिमेट गिवन है तब तो वही एस्टिमेटेड पीरियड ही लेंगे, हर साल बैलेंस शीट की डेट को टेस्टिंग पीरियड कंसिडर किया जाएगा। और अगर लेटेस्ट एस्टिमेट गिवन नहीं है, कोई एस्टिमेट गिवन नहीं है, तो फिर पीरियड एक्सपायर्ड प्लस 1 कंसिडर किया जाएगा। ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग सबके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कर लिए थे अपन ने। ठीक है जी, नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एसबीपी प्लान। हाँ जी, हाँ फर्स्ट ईयर का टारगेट है 12, अचीव हो जाए तो ले जाना। ठीक है ना, अब फर्स्ट ईयर के एंड पे पहुंचे, तुम फर्स्ट ईयर के एंड पे देखा कि तुम्हारा ईपीएस इतना तो नहीं आया, नहीं हो तो सेकंड टारगेट भी रेडी है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में अब आप क्या सोच रहे हो, कितने टाइम में पूरा हो जाएगा? अगली बार तो पूरा हो ही जाएगा, 12 तो नहीं हुआ, 12 तो नहीं हुआ, एक साल बीत गया ना। दूसरे साल का टारगेट क्या है, 10। दूसरे साल होता है कि नहीं होता है वो डिपेंड करेगा, लेकिन आज तो यही सोच रहे हैं ना कि टारगेट क्या है, 2 साल है, तो आज तो वेस्टिंग पीरियड क्या मानते हुए चलोगे, 2 साल। इस साल नहीं हुआ तो अगले साल तो हो ही जाएगा। अच्छा, फिर देखा कि अगले साल भी नहीं हुआ टारगेट अचीव, एक्चुअल कम रह गया, तो फिर अब लगा कि शायद तीसरे साल तो हो ही जाएगा, तो फिर इस तरीके से हम बढ़ाते गए। तो पहले तो हमने 2 साल के बेसिस पे बांटा, लगा कि आज नहीं, इस साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल तो हो ही जाएगा। फिर हमने देखा अच्छा अगले साल भी नहीं हुआ, तो लगा अच्छा तीसरे साल तो हो ही जाएगा, तो हमने 2/3 कर दिया। ठीक है, चलिए ओके, नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एसबीपी प्लान। सर मॉडिफिकेशन कैसे, आपने एक्सरसाइज प्राइस में चेंज कर दिया हो, कि हमने पहले आपको कहा था कि आप आना और ₹40 में शेयर लेके जाना, अब आना और ₹25 में ले जाना, क्या ये आपके लिए फेवरेबल है? हाँ, एम्प्लॉय हो ना आप लोग तो, हाँ एम्प्लॉयज हो तो, हाँ ठीक है ना, एम्प्लॉयज हो तो आप क्या, आपके लिए क्या है फेवरेबल है, 40 वाली चीज अगर आप 25 में हम आपको दे रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल है। हाँ, लेकिन कंपनी के लिए तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है कि नहीं है, कंपनी के लिए तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। ओके, ऐसे ही कुछ हो सकता है जैसे टारगेट ईपीएस वगैरह आपके लिए जो था वो डिसाइडेड क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है ना, टारगेट जो भी था किसी भी तरह का टारगेट वो आपके लिए थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन दे दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया गया, जिससे फेयर वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और वो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपके फेवर में भी चेंज हो सकता है एम्प्लॉय, और आपके अगेंस्ट में भी चेंज हो सकता है। मतलब हमारा जो ओरिजिनल प्लान था उसका जो फेयर वैल्यू है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है इनके आइदर इन फेवर ऑफ द एम्प्लॉय और अगेंस्ट द एम्प्लॉय। तो अगर फेवर में होगा एम्प्लॉय के तब तो हमें अकाउंटिंग करना है, और अगेंस्ट में होगा एम्प्लॉय के तो हमें कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय के फेवर में है दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उससे तो एक्स्ट्रा खर्चे को अपने को क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। लेकिन एम्प्लॉय के अगेंस्ट में है
तो उससे कोई ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही है। जितना प्री डिसाइडेड कॉस्ट था ना, वही आप क्या करते चलेंगे, बुक करते चलेंगे। उसमें एड ऑन आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ऑब्वियसली क्वेश्चन फिर किसका आएगा, इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉय का आएगा या अगेंस्ट द एम्प्लॉय का आएगा? अगर मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉय का आएगा, जिसमें अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, वरना तो कुछ करना ही नहीं है। जैसा होता आया है वैसे ही होता जाएगा। चलिए लिखो, मॉडिफिकेशन मीन्स आज हो सकता है क्लास में थोड़ी लंबी ले लूं। मॉडिफिकेशन मीन्स तुमको जाना है तो जाना तो मुझे भी है, रुकना तो यहां थोड़ी ना है। मॉडिफिकेशन मीन्स हाँ चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है सर? आप अपने जो भी एसबीबी प्लान है उसमें क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इट विल इफेक्ट द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इट विल अफेक्ट द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब मॉडिफिकेशन कैसे हो सकता है, इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉय भी हो सकता है और अगेंस्ट द एम्प्लॉय भी हो सकता है। जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन इन फेवर ऑफ एम्प्लॉय, मॉडिफिकेशन इन फेवर ऑफ एम्प्लॉय। इट कैन बी थ्रू, ये कैसे किया जा सकता है? इट कैन बी थ्रू रिडक्शन इन, इट कैन बी डन कर सकते हैं भले, इट कैन बी डन थ्रू रिडक्शन इन एक्सरसाइज प्राइस। और रिडक्शन इन परफॉर्मेंस टारगेट। तो एक्सरसाइज प्राइस में कम कर दिया, आपसे कम पैसा चार्ज किया जाएगा एम्प्लॉइज, या फिर कोई परफॉर्मेंस टारगेट था उसमें रिडक्शन कर दिया गया है, टारगेट ईपीएस को रिड्यूस कर दिया गया, टारगेट सेल्स को रिड्यूस कर दिया गया, उसकी वजह से क्या आ रहा है, आपके फेयर वैल्यू में ऑप्शन में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एंटिटी। It will increase the cost of entity in form of
इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एंटिटी इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। इंक्रीज होगी कॉस्ट तो अपने आप ही क्या होगा, ऑप्शन का फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब जो अपन खर्चा बुक करते हैं वो वाला अमाउंट, फेयर वैल्यू से तो करते हैं खर्चा बुक, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, फेयर वैल्यू से तो मल्टीप्लाई होता है थर्ड नंबर फैक्टर। तो अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स आपकी फेयर वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज, उतना से खर्चा क्या किया जाएगा, आप ज्यादा बुक किया जाएगा, करना पड़ेगा। ओके, सो इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस, नेक्स्ट है। सो इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस शैल बी अकाउंटेड ड्यूरिंग रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, अब ये जो बढ़ावा खर्चा इंक्रीमेंटल खर्चा उसे अकाउंट किया जाएगा, मतलब बुक किया जाएगा, कब किया जाएगा, ड्यूरिंग हाईलाइट कर देना रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। ये जो एड ऑन एक्सपेंसेस हैं उसे बचे हुए टाइम में आप क्या कर देंगे, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट एरो, हाउ टू कैलकुलेट, इसी के अंदर ही हाउ टू कैलकुलेट एंड रिकॉग्नाइज, या कैलकुलेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस। हाँ बोलिए, वो क्वेश्चन वाला आपको देगा, क्योंकि फेयर वैल्यू जो ऑप्शन होता है वो मैंने पहले भी कहा था, फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, बाइनोमियल मॉडल और पीएसएम मॉडल से। तो उन फैक्टर्स में बहुत, उस मॉडल के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मार्केट में ट्रेड वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या करेंगे उसकी, आपकी चेंज कर देंगे। तो टारगेट ईपीएस कम होते ही क्या हो जाएगा आपके लिए, देखा जाएगा। वैसे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आ रहा है, नो डाउट आयुष, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आ रहा है, एक्सरसाइज प्राइस कम करने पर तो डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है, बट क्या है ना, टारगेट ईपीएस कम कर दिया या टारगेट सेल्स आपका कम कर दिया, उसे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या किया गया था, उसका फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया गया था, जो फेयर वैल्यू कैलकुलेट किया गया था वो टारगेट जो डिसाइड था उसको ध्यान में रखते हुए फेयर वैल्यू डिसाइड किया गया था, फेयर वैल्यूएशन जो हुआ था वो टारगेट वैल्यू को डिसाइड करते हुए किया गया था। लेकिन जब टारगेट ही कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली फेयर वैल्यू भी चेंज होगा ही होगा, तो वो अपने को हेडेक मानने का जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन वाला अपने को देगा कि फेयर वैल्यू पहले ये थी और अब ये हो गई है। तो आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेशन कोई बीएसएम कोई बाइनोमियल कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। देखो, हाउ टू कैलकुलेट, एंड रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस, फर्स्ट बुक एक्सपेंस एज इट इज, फॉर फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट। ग्रैंड डेट की फेयर वैल्यू के लिए तो आप क्या करेंगे, एज इट इज जैसे अब तक रिकॉर्ड करते आए थे वही रिकॉर्ड करते चलेंगे, क्योंकि अब क्या हो गया है, फेयर वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो फेयर वैल्यू में चेंज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं है, एम्प्लॉई के फेवर में है, तो उसकी वजह से जो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं उस बढ़े हुए खर्चों को हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज करेंगे। जो कर रहे थे वो तो करेंगे ही करेंगे, फेयर वैल्यू जो अब तक कर रहे थे, फेयर वैल्यू जो ग्रैंड डेट को थी, जो आपने अब तक जो प्रोसेस सीखी है वो तो चलता ही रहेगा, उसके अलावा जो एड ऑन एक्सपेंसेस होंगे, उसके अलावा जो फेयर वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा उसे भी बुक करना होगा फॉर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, लिखो फिलहाल। सेकंड, कैलकुलेट इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस, एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन,
एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, जिस दिन आपने मॉडिफाई किया है उस दिन आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस देखेंगे कितना खर्चा और बढ़ गया, वो कैसे देखोगे, फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन, और फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन भी किस दिन, नो इस दिन वाली, जिस दिन आप मॉडिफाई कर रहे हो, मेजर्ड एट मॉडिफिकेशन डेट। मेजर्ड एट मॉडिफिकेशन डेट, तो मॉडिफिकेशन वाली डेट को ही देखना है कि फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन कितना है और उस दिन फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन कितना है। सर ये हमको सब डेटा दिया हुआ रहेगा क्या? बिल्कुल दिया हुआ रहेगा। तो ओरिजिनल ऑप्शन का उस दिन फेयर वैल्यू क्या है और मॉडिफिकेशन ऑप्शन का फेयर वैल्यू क्या है, उसका डिफरेंस देना, और इस इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस को हमें क्या करना है, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज कर लेना है। दीज आर द, ठीक है, इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस। वापस लिखवाऊं थोड़ी, किस खर्चों को रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में करना है, नहीं ना ऊपर लिखा हुआ है ना, हाँ जी, और डॉटेड लाइन से भी करवा दिया था रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। सर बी पार्ट लिखो, मॉडिफिकेशन अगेंस्ट एम्प्लॉय, लिखते चलो फटाफट से, क्वेश्चन करोगे तो पूरा समझ में आएगा। मॉडिफिकेशन अगेंस्ट एम्प्लॉय, मॉडिफिकेशन अगेंस्ट एम्प्लॉय, इसका क्या करोगे, इससे आपका क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ एंटिटी, इससे एंटिटी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सरसाइज प्राइस था 40, आप बोल रहे हैं कि नहीं जी एक्सरसाइज प्राइस है ना हम आपसे 50 लेंगे, आपके अगेंस्ट में हो गया ये काम, लेकिन हाँ इससे हमारी तो क्या हो जाएगी, कॉस्टिंग कम हो जाएगी, हमारी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो हमने पहले डिसाइड किया था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ एंटिटी इन फॉर्म ऑफ डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन फेयर वैल्यू, इट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ एंटिटी इन फॉर्म ऑफ डिक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ऑब्वियसली कॉस्ट कम होगा तो फेयर वैल्यू किसको डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एज पर इंड एयर्स, कौन सा इंड एयर्स पढ़ रहे हैं अपन, 102 याद है ना, एज पर इंड एयर्स 102 ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू, क्या दी थी भूल गई, ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू इज मिनिमम एक्सपेंस, इज मिनिमम एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, टू बी रिकॉग्नाइज्ड, इतना खर्चा तो आपको बुक करना ही पड़ेगा। इंड एयर्स कहता है, आप कह रहे हो सर मॉडिफिकेशन हो गया खर्चा कम हो गया, इंड एयर्स कहता है भले ही खर्चा कम हो गया, जितना आपने डिसाइड किया था ना फेयर वैल्यू के कब, ग्रैंड डेट के दिन, उतना खर्चा तो आपको बुक करना ही पड़ेगा। तो क्या करें, अब हम
सो नो ट्रीटमेंट विल बी रिक्वायर्ड. So no treatment will be required for modification against employee. For modification against employee, कुछ नहीं करना है इसके लिए. कुछ नहीं करना, कुछ भी बुक नहीं करना. जो खर्चा है खर्चा सारा रिकॉर्ड कर लो, रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दो. फिर जितना यूज आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे, जल्द में ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, ओके. हाँ, अगर यूज नहीं हुआ तो, यूज नहीं होता तो लिखो एग्जांपल, देखते हैं कैसे होगा. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 500, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉई, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉई. अब आपको समझ में आ जाएगा कि अपन ने क्या लिखा है इतने देर तक. 30. एक्सरसाइज प्राइस, ₹40. फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ₹15. तो फेयर वैल्यू गिवन हो तो हम खर्चा फेयर वैल्यू से बुक करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा ना यूज करेंगे, नहीं करेंगे. ओके, वेस्टिंग पीरियड 3 years, वेस्टिंग पीरियड 3 years. एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एक्सरसाइज प्राइस रिड्यूस्ड टू ₹20. एक्सरसाइज प्राइस रिड्यूस टू ₹20 एंड फेयर वैल्यू. अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस कम कर दिया तो ये अगेंस्ट द एम्प्लॉई हुआ या फेवर ऑफ एम्प्लॉई हुआ? अब एम्प्लॉई को 40 के बजाय कितना देना पड़ेगा? सिर्फ ₹20 ही खर्च करना पड़ेगा एक शेयर के लिए. ठीक है जी, एम्प्लॉय के लिए फायदा हो गया ₹20 का. एंड फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन आज कितना है? दो साल बाद ₹13. अब हमें ये जानना होगा, क्योंकि अगर मॉडिफाइड किया गया है तो ओरिजिनल ऑप्शन की आज फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन एट मॉडिफिकेशन डेट ₹9. कितने रुपए का खर्चा बढ़ गया? ₹4 का खर्चा बढ़ गया. अरे सर, उससे कंपेयर नहीं करना क्या? नहीं, वो तो स्टार्टिंग में था ना फेयर वैल्यू ₹15. मॉडिफिकेशन की डेट को, ओरिजिनल ऑप्शन को अगर वैल्यूएशन किया जाए तो फेयर वैल्यू कितना बचा है उसका? ₹9 बचा है. और मॉडिफाइड करने के बाद उसका फेयर वैल्यू कितना हो गया है? ₹13 हो गया है. तो आज कितना रुपया खर्चा बढ़ गया? ₹4 का खर्चा बढ़ गया है पर ऑप्शन. ओके, वो मैंने कब पढ़ाया था? शुरू में. आज मैंने क्या पढ़ाया है? मॉडिफिकेशन.
वो भी मैंने ही पढ़ाया था, ये भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, वो भी सही है। अगर मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो ग्रैंडेड फेयर वैल्यू पे ही खर्चा बुक होगा, और अगर प्लान में मॉडिफिकेशन हो गया है तो फिर इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस को भी आपको बुक करना पड़ेगा। ईयर वन 460 एम्प्लॉइज, ईयर टू 425 एम्प्लॉइज, ईयर थ्री 407 एम्प्लॉइज। कैलकुलेट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। बताइए कितना खर्चा बुक करें, क्या लगता है कर पाओगे तुम? 407 407। अच्छा पहले 460, देन 425, देन 407। क्या लगता है बुक कर पाएंगे? हाँ सर। ईयर वन, क्या पहले साल के एंड में आपको मॉडिफिकेशन के बारे में पता है? क्या कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है? अच्छा, मॉडिफिकेशन जब होगा ना उसके अगले ईयर से रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड के लिए खर्चा बुक होगा, उसी दिन से मत चेंज करने लग जाना। रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड उसके आगे आने में, मतलब अगर सेकेंड ईयर में मॉडिफिकेशन हुआ है तो थर्ड ईयर में उसका इम्पैक्ट जाएगा। और ये टोटल क्वेश्चन कितना वेस्टिंग पीरियड का है, 3 साल का ही तो है, और मॉडिफिकेशन कब हो रहा है? सेकेंड ईयर में हो रहा है। इसका मतलब इम्पैक्ट कौन से ईयर में जाएगा? केवल थर्ड ईयर में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड तो जैसे पहले आज तक बुक करते आए हैं वैसे ही बुक करना है। ओके, तो ईयर वन क्या लगता है एंड द एंड कितने एम्प्लॉइज? 460 एम्प्लॉइज, ये हमारा पहला फैक्टर। फिर दूसरा फैक्टर होता है क्या, हर एम्प्लॉय को कितने ऑप्शंस? सर 30 ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। ओके, तीसरा फैक्टर होता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना था ग्रैंड डेट को? 15 रुपए। चौथा फैक्टर वेस्टिंग पीरियड, क्या है वेस्टिंग पीरियड? 3 साल, तो 1/3 कितना हुआ? 69,000। जैसे पहले बुक करते आए थे अभी भी वैसे ही बुक किया। ईयर टू कितने एम्प्लॉइज? 425 एम्प्लॉइज लग रहे हैं कि ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे, हर एक को 30 ऑप्शंस। फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट 15 रुपए, कितने साल बीत गए? 2/3, 2 साल बीत गए आउट ऑफ 3। माइनस पिछले साल तक कितना बुक कर लिया था? 69। तो टोटल अब तक बुक हो जाना चाहिए, क्यूमुलेटिव एक्सपेंस कितना है? 127,500। एमसीक्यूज में ऐसे भी तो पूछ सकते हैं क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस टिल सेकंड ईयर, क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस टिल सेकंड ईयर, और रिकॉग्नाइज्ड अप टू प्रीवियस ईयर कितना? टिल प्रीवियस ईयर 69, लेस कर दिया बचा कितना? 58,500। ओके, फिर ईयर थ्री, क्या सेकेंड ईयर में मॉडिफिकेशन हो गया था सेकेंड ईयर के एंड में? उसका इंपैक्ट कब आएगा? थर्ड ईयर से आएगा। तो अब कैसे करना होगा? ओके हर्षिता, अब कैसे करना होगा? जो क्या पॉइंट लिखवाया था, बुक एक्सपेंसेस एज इट इज लिखवाया था फॉर द फेयर वैल्यू एट ग्रैंड डेट, तो इसका तो जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। फिर इंक्रीमेंटल के लिए अलग से बुक किया जाएगा, तो जैसा चल रहा है वो तो चलाओ। थर्ड ईयर में कितने एम्प्लॉइज? 407 एम्प्लॉइज, हर एक को 30 ऑप्शंस, ग्रैंड डेट फेयर वैल्यू कितनी? 15 रुपए। तीसरा साल है 3/3। माइनस अब तक कितना बुक हो चुका है? 127,500। रुक जाओ, प्लस मॉडिफिकेशन का। अब एम्प्लॉइज कितने? 407 एम्प्लॉइज कितने? 407 फॉर द मॉडिफिकेशन। ऑप्शंस कितने? 30
फेयर वैल्यू, खर्चा कितना बढ़ गया, इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस, इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू। तो इसके लिए आप किसको कंपेयर करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन, और जिस दिन मॉडिफाई किया है उस दिन फेयर वैल्यू किसका, ओरिजिनल ऑप्शन, कितने रुपए, 13 माइनस 9। चाहे आप 13 माइनस 9 दिखा दें यहाँ पे डायरेक्ट, या डायरेक्ट यहाँ पे 4 दिखा के फिर नीचे एक्सप्लेन कर दें 13 माइनस 9। ओके, इनटू वेस्टिंग पीरियड, खत्म है, लास्ट है, सेकेंड ईयर में करते तो आता वो 2 बाय 1 बाय 2 और 2 बाय 2। लेकिन अभी तो क्या है, सारा खर्चा रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड ना, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड 1 साल था, तो सारा खर्चा इसी में बुक होना था, तो 3 बाय 3 नहीं लिखना है, एक ही तो साल था इसका, दो तो 1 बाय 1 हो गया, ये तो भैया ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, लिखना ही नहीं है। ओके, तो सारा खर्चा अपन ने इसी बार बुक कर देना है, जो भी इंक्रीमेंटल खर्चा है। बताओ पहले वाले का करते हैं पहले, तो या फिर आप लास्ट क्वेश्चन है तो मतलब इसके बाद तो कुछ है नहीं, लास्ट क्वेश्चन मतलब लास्ट ईयर है तो इसके बाद है नहीं, डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो, डायरेक्ट आंसर बता दो भले, 104490 लास्ट ईयर है ना, तो अपने को जरूरत नहीं है क्यूमुलेटिव देखने की वगैरह की, और देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो अलग अलग कर लेना, क्यूमुलेटिव माइनस 127500 प्लस दूसरे वाले का वैल्यूएशन, फिर 1490। खर्चा कम हो गया, फेयर वैल्यू ओरिजिनल ऑप्शन का 9 रुपए था, मॉडिफाइड का 13 रुपए है, तो फेयर वैल्यू बढ़ गया तो खर्चा बढ़ गया, मॉडिफाइड का तो 13 रुपए है ना, पहले तो 9 ही था, ओरिजिनल का तो 9 रुपए है फेयर वैल्यू, मॉडिफिकेशन का 13 रुपए है, तो 4 रुपए से खर्चा बढ़ गया है। समझ में आया क्या, बोलो बोलो क्या नहीं आया। हाँ हाँ जी, नहीं, फेयर वैल्यू इनका कैलकुलेशन अलग ही रहने वाला है, बोला ना बाइनोमियल या बीएसएम से, अब वो ऑप्शन का फेयर वैल्यूएशन है, अब ऑप्शन का फेयर वैल्यूएशन मतलब हम आपको 21 रेट पर दे रहे हैं और अदर फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए फेयर वैल्यू 9 रुपए, पहले कितना था 15 रुपए, पहले कितना था स्टार्टिंग में 15 रुपए था, सुनोगे स्टार्टिंग में कितना था 15 रुपए था, फिर उसके बाद अब तो 2 साल बीत गए ना, जैसे जैसे टाइम टू मैच्योरिटी, वही ऑप्शन वाली बात, ऑप्शन की एक्सपायरी जैसे जैसे पास आएगी वैसे वैसे क्या होता जाता है, रेट कम होती जाती है, एफएमए सिखा रखा है मैंने, तो वही वाली बात कि जैसे जैसे टाइम टू मैच्योरिटी पास में आता जाएगा वैसे वैसे फेयर वैल्यू क्या होती जाएगी उसकी, कम, मतलब आज उसमें कोई करेगा तो फेयर वैल्यूएशन क्या होता जा रहा है उसका, कम होता जा रहा है, तो पहले 15 था, फिर क्या अगर रहा सिर्फ 9 रह गया, सेकेंड ईयर के एंड में देखा मैंने ओरिजिनल प्लान का फेयर वैल्यू कितना है 9, लेकिन अब मैंने उसमें क्या कर दिया है, मॉडिफिकेशन कर दिया है, प्लान को चेंज कर दिया है, एक्सरसाइज प्राइस मैंने बोला 40 नहीं, अब तुम 20 रुपए में शेयर ले जाना, तो इससे उस प्लान की फेयर वैल्यू और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो और खर्चा, तो उसके हिसाब से और खर्चा बुक करना पड़ेगा, तो वो जो 9 रुपए थी सेकेंड ईयर के एंड में ओरिजिनल प्लान की फेयर वैल्यू, वो अब बढ़ के कितनी हो गई है 13 रुपए हो गई है, तो अब हमें उसे और बुक करना पड़ेगा, 4 रुपए का खर्चा और बुक करना पड़ेगा, 15 का तो चल ही रहा था मामला, ठीक है ना, जिस दिन मॉडिफिकेशन हुआ उस दिन अब फेयर वैल्यूएशन किया जाएगा, तो ओरिजिनल प्लान का फेयर वैल्यूएशन 9 रुपए था, उसको जब मॉडिफाई किया गया तो फेयर वैल्यूएशन कितना आया 13 रुपए, तो उस दिन देखा जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, भैया 4 रुपए का खर्चा और बढ़ गया, क्लियर है वाली चीज, डेट भी तो देखना पड़ेगा, कंपेरिजन तो बराबर वालों में होता है ना, ग्रैंड डेट की फेयर वैल्यू से मॉडिफिकेशन की फेयर वैल्यू को कैसे कंपेयर कर सकते हो, तो मॉडिफिकेशन की जो मॉडिफाइड प्लान की फेयर वैल्यू है और मॉडिफिकेशन के दिन ही ओरिजिनल प्लान की जो फेयर वैल्यू है उसी को कंपेयर करना पड़ेगा, क्लियर है ये वाली चीज। ओके चलिए बढ़े आगे, किसी को कम समझ में आया कोई बात नहीं, उसके लिए मैं एक और क्वेश्चन लाया, लिखो एग्जांपल। हाँ जी, ईजी टू डाइजेस्ट नहीं है ये, ठीक है ना, कहने का मतलब धीरे धीरे दिमाग में जाएगा ये कि हाँ अच्छा इस तरीके से फेयर वैल्यू बढ़ जाती है, खत्म था, ठीक है ना, और ये फेयर वैल्यू ऑप्शन कैलकुलेट करने का काम अपना नहीं है, एक्सपर्ट्स आते हैं, एक्चुअरीज वगैरह आते हैं, ये सब उनका काम है,
ठीक है ना, फेयर वैल्यूएशन का काम। फेयर वैल्यू इन द सेंस उस स्कीम का, वैसे तो कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा फेयर वैल्यूएशन का, तो तरीका अलग है। फेयर वैल्यूएशन अगर ना देखा जाए तब तो क्या लेते हैं अपन, इंट्रेंसिक वैल्यू लेते हैं ना, दैट मीन्स द बेनिफिट गिवन। तो बेनिफिट गिवन के बेसिस पे अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए उसकी फेयर वैल्यूएशन होती है ऑप्शन की, एक्सरसाइज करेगा नहीं करेगा, करेगा तो क्या रेट है। अब जैसे अगर अपन शेयर मार्केट की बात करें तो उसमें भी ऑप्शन में क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करते होंगे, बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करते होंगे, डिमांड सप्लाई भी होता होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए भी यहाँ पर क्या किया गया है, वैल्यूएशन किया गया है। अब बाय फेयर वैल्यू मतलब वो जो अपने स्कीम निकाली है उसकी हमें कॉस्ट और कितनी आ रही है, उसकी कॉस्ट हमें कितनी आ रही है, और कुछ नहीं है फेयर वैल्यू। दैट इज सिंपली द फेयर वैल्यू को आप रिप्लेस करके समझो इंट्रेंसिक वैल्यू की तरह। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है, मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस ना भाई, मार्केट में वो रेट 100 रुपये में, हम आपको 40 में दे रहे हैं, मतलब 60 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू है। अब वो 60 रुपये इंट्रेंसिक वैल्यू कंसिडर ना करके हमें रिकॉर्डिंग किस पे करनी होती है, फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू, क्योंकि उस फेयर इंट्रेंसिक वैल्यू में तो क्या है, केवल उस टाइम की रेट को कंसिडर किया गया, उस टाइम की एट अ पर्टिकुलर टाइम की रेट को कंसिडर किया गया। बट केवल रेट को कंसिडर नहीं किया जाता है, रेट तो फ्लक्चुएशन भी होता रहता है फॉर अ टाइम बीइंग, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनको कंसिडर करते हुए फेयर वैल्यू डिसाइड किया जाएगा, और इसलिए अपने को वो सारी कैलकुलेशन दी नहीं जाती है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होती है फेयर वैल्यू ऑप्शन की। ठीक है, अब कुछ, हाँ ठीक है, मैं बोल रहा था कि अब कुछ समझ में आया तो बोला नहीं सर ठीक है, हाँ अब हो गया। ठीक है, देखो लिखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट ग्रांट डेट, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय कितना, 25। एक्सरसाइज प्राइस ₹40। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ₹10। ऑब्वियसली ये फेयर वैल्यू कौन से डेट को है, एट ग्रैंड डेट। ये लो जी लिख भी दिया, एट ग्रैंड डेट। वेस्टिंग पीरियड कितने साल, नो कितने साल, 5 साल। इस बार आपका वो भी तो ट्राई हो जाएगा ना, फिर वो मॉडिफिकेशन वाला, लास्ट में तो मॉडिफिकेशन केवल 1 साल के लिए था, इस बार मॉडिफिकेशन हम 1 से ज्यादा के लिए रखेंगे। ओके, फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एक्सरसाइज प्राइस रिड्यूस, एक्सरसाइज प्राइस रिड्यूस्ड, रिड्यूसेस टू कितना, ₹15। पहले कितना था, 40, अभी कितना है, 15। पहले बोला था ₹40 देना शेयर ले जाना, अब बोल रहे हैं ₹15 देना शेयर ले जाना, इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉय और अगेंस्ट द एम्प्लॉय, फेवर ऑफ एम्प्लॉय। इससे हमारा कॉस्ट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा सर, हम इससे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो कॉस्ट इंक्रीज होगा तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी इंक्रीज होगा। तो अब जानते हैं फेयर वैल्यू है क्या, फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन। तो हमने देखा कि मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने जोड़ा घटाया गुणा भाग किया और फिर इनके पास फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड ऑप्शन आया। हाँ बिल्कुल, मतलब तुम ये कहना चाहती हो मैंने कॉपी की है, हाँ उन्होंने मुझसे देखा होगा। फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफिकेशन ऑप्शन, फेयर वैल्यू कितना है, ₹13, किसका, मॉडिफाइड प्लान का। फिर उसके बाद
तो अब हम जानना चाहेंगे कि इस दिन ओरिजिनल प्लान का फेयर वैल्यू क्या रहा होगा। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन एट मॉडिफिकेशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल ऑप्शन एट मॉडिफिकेशन डेट। एक तो वो ओरिजिनल ऑप्शन था जहां पर एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा थी 40 थी, दूसरा वो दो साल तीन साल पहले की बातें थी। तो इस दिन उसकी फेयर वैल्यू क्या बता रहे हैं, आठ रुपए। कितने से बढ़ गई, 5 रुपए से हमारा फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गया। इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस कितना है, 5 रुपए। ओके चलिए जी, एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू वेस्ट कितना, ईयर वन 490, ईयर टू 470, ईयर थ्री 450, ईयर फोर 460, ईयर फाइव 455। कैलकुलेट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। कर सकते हैं क्या, बोलूं? यस सर, वेरी गुड। चले बताइए फिर। चलो पहले साल कितने एम्प्लॉइज, 490 इंटू पर एम्प्लॉय ऑप्शंस कितने, 25 ऑप्शंस। फेयर वैल्यू ग्रैंड डेट को कितना था ओरिजिनल प्लान का, 10 रुपए। और उस टाइम वेस्टिंग पीरियड कितना था, वेस्टिंग पीरियड 1/5, हाँ 24,500। ठीक है जी, डन। ईयर टू कितने एम्प्लॉइज, 470 एम्प्लॉइज, वही 25 ऑप्शंस, फेयर वैल्यू 10 रुपए। कितना टाइम बीत गया, 2/5 माइनस पिछले साल तक का खर्चा 24,500, 47,000 माइनस 24,500, 22,500। ओके जी, 22,500। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है क्या, डन यस बोलने का? आयुष, हर्षिता, मोहक, मोनिका, ओके जी मोनिका और नंदिनी, ओके आयुष, हर्षिता, हाँ जी। तीसरे साल क्या होगा, 450 एम्प्लॉइज इंटू 25 ऑप्शंस इंटू 10 रुपए, तीन साल बीत गए माइनस पिछले साल तक 47,000, तो अब तक का टोटल खर्चा 67,500। क्यूमुलेटिव एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज 67,500, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज टिल प्रीवियस ईयर 47,000, तो एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज इन द करंट ईयर 20,500। अरे ईयर थ्री के अंदर वो मॉडिफिकेशन वाला भी तो लिखना था। ओके होशियार हो तुम लोग, थर्ड ईयर में एंड में अगर हुआ है मॉडिफाइड तो देन रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड क्या, 4 और 5, 2 सालों में आएगा। ठीक है जी, ईयर फोर एम्प्लॉइज कितने,
460 एम्प्लॉइज हैं, 25 ऑप्शंस हैं, फेयर वैल्यू ₹10 इंटू 4/5, ये तो नॉर्मल तरीके से चलेगा, माइनस पिछले साल तक 67,500 प्लस मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन के कारण कितने एम्प्लॉइज, 460 एम्प्लॉइज, 25 ऑप्शंस, कितना खर्चा बढ़ गया, 13 माइनस 8 ₹5, वेरी गुड, इंटू 1/2, क्योंकि 2 सालों में तो बांटना है इसको, तो उसमें से पहले साल 1/2 खर्चा बुक कर लो, आधा खर्चा आज इस बार बुक कर लो, आधा खर्चा अगली बार कर देंगे, लेकिन आधे के अंदर डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉइज, ओके अच्छा कुछ भी नहीं था, ठीक है। हाँ जी बताओ, टोटल में बताना, 460 इंटू 25 इंटू 10 इंटू 4/5 कितना होता है, 92,000 माइनस 67,500, एक तो ये हो गया, प्लस दूसरे में 460 इंटू 25 इंटू 5 इंटू आधा, बोले तो हाफ, 28,750, ओके कितना बैठा, 53,250, ये लो जी 53,250, ओके हर्षिता मोनिका, ईयर 5, ईयर 5 ऐसे लिखने का, 92 लिखने का रीजन और 28,750 को अलग लिखने का रीजन, अगली बार काम आएंगे ना ये दोनों वैल्यूज। चलिए ईयर 5 में एम्प्लॉइज कितने, 455 एम्प्लॉइज इंटू 25 ऑप्शंस इंटू ₹10 फेयर वैल्यू इंटू 5/5 माइनस पिछली बार तक कितना खर्चा बुक कर लिया था ओरिजिनल वाले का, 92,000 प्लस मॉडिफिकेशन का, 455 एम्प्लॉइज, 25 ऑप्शंस, खर्चा कितना, ₹5 इंटू 2/2 माइनस पिछली साल तक कितना खर्चा बुक कर लिया था मॉडिफाइड का, 28,750 दिस वन, 28,750 पिछली बार तक, ओके अब आप डायरेक्ट लिख दो, कोई जरूरत नहीं अलग अलग लिखने की, क्योंकि ये लास्ट ईयर है, 49,875, ओके मोनिका, नेक्स्ट टॉपिक पढ़े, ग्रेडेड वेस्टिंग और ग्रुप वेस्टिंग, ग्रेडेड वेस्टिंग और ग्रुप वेस्टिंग, सर ये क्या होता है, मैंने कहा देखो जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रुकना अगले पांच साल तक मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रुकना, हम आपको 5 साल बाद शेयर्स देंगे, ओके अब सब कुछ खुश हुए और कुछ मन में यहां से बाहर निकलते बोलेंगे 5 साल कौन रुकेगा, मैं तो मौका देखते निकल लूंगा, हाँ कैसी कैसी स्कीम लाते हैं ये लोग, हाँ 5 साल रुकने का टाइम होता है, 3 साल बोलता 2 साल बोलता तो कोई सोचता भी, 5 साल नो,
सिया कहती ना 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 मैं नहीं रुकूंगी, ऐसी बोलती है। बस बस हाँ नो 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 बस देखो। तो अब मैंने कहा रुको 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 रुको, जाने का नहीं, मैं नया प्लान लेके आया आज, ग्रेडेड वेस्टिंग। मैंने कहा देखो जी आप जा रहे होगे ना, जैसे जैसे क्या होगा, अगर आप एक साल पूरा कर लोगे तो हम आपको इतने शेयर दे देंगे, दो साल पूरा कर लेंगे तो हम आपको और इतने शेयर देंगे, तीन साल पूरा करने पर हम आपको और इतने शेयर दे देंगे। हाँ ठीक है ना, मतलब टोटल अगर मुझे 100 शेयर देने हैं तो मैंने कहा पहला साल पूरा करोगे तो 20 शेयर दूंगा, दूसरा साल पूरा करोगे तो 30 शेयर और दे दूंगा, और तीसरा साल पूरा कर लोगे तो 50 शेयर और दे दूंगा। और मेरे लिए पॉइंट ऑफ व्यू से तो, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है, क्योंकि इससे एम्प्लॉय क्या करेगा, रुकेगा। ठीक है ना, 20 लेके भागे तो भाग जाएगा, कोई भागेंगे भी लेकिन कहीं रुकने वाले रुकेंगे भी। और अगर मैं ये कहूंगी 3 साल बाद दूंगा, 5 साल बाद, तो पहले भाग जाएगा। तो चांसेस तो सब है, डिपेंड करता है कि कौन सा वहां मैनेजर बैठा है और कौन सा प्लान अप्लाई कर रहा है वहां पे। ठीक है ना, तो देखो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे भी बोर्ड मीटिंग में क्या होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग ओपिनियन रहती है। यहाँ पे जैसे अपन बात किए वहां पे भी अलग अलग ओपिनियन रहती है, अब जो टाइम पे जो प्लान एग्जीक्यूट हो जाए हो जाए। तो ग्रेडेड वेस्टिंग में क्या होगा सर, इस तरीके से हम अलग अलग ग्रेड्स बनाएंगे, अलग अलग उन सब का क्या होगा, अच्छा हर एक के लिए क्या ट्रीट किया जाएगा, हर एक के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा। पहले 20 शेयर का अलग कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका वेस्टिंग पीरियड क्या है, केवल एक साल रहोगे हम आपको 20 शेयर दे देंगे। फिर 30 शेयर, मैंने कहा 2 साल रुकोगे तो 30 शेयर दूंगा, तो वो 30 शेयर का खर्चा कितने टाइम में बुक करना है, 2 सालों में बुक करना है। मैंने कहा तीसरे साल के एंड में भी जो बना रहेगा मैं उसको 50 शेयर और दे दूंगा, तो उस 50 शेयर के लिए जो खर्चा मुझे कितने टाइम में बुक करना है, 3 साल, तो उसका वेस्टिंग पीरियड कितना हुआ, 3 साल। तो इसमें और कुछ नहीं है, नया नहीं सीखना, ये एक नहीं है, ये टोटल कितने कॉन्ट्रैक्ट थे, 3 कॉन्ट्रैक्ट थे। तो तीनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन चलती रहेगी, अलग अलग वेस्टिंग पीरियड चलता रहेगा, 3 अलग अलग कंसिडर करते हुए। क्लियर है वाली चीज, क्या दिक्कत है, ठीक है लिखो। इन केस ऑफ ग्रेडेड वेस्टिंग, इन केस ऑफ ग्रेडेड वेस्टिंग, शेयर्स ऑफर टू एम्प्लॉइज, shares offered to employees are divided in groups, are divided in groups. Groups slash grids are facility to exercise share options, share options in parts on expiry of different periods, on expiry of different periods. इसमें ये क्या है, सिंपली फैसिलिटी है कि आप शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे, पार्ट्स में। आपको 100 ऑप्शंस दिए गए ना, पहले 20 ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लो, दूसरे साल तक 30 ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो, और तीसरे साल में 50 शेयर्स ऑप्शंस एक्सरसाइज कर लो। ईच ग्रिड और ग्रुप हैज सेपरेट वेस्टिंग पीरियड
एम्प्लॉय एक्सपेंसेस आर टू बी कैलकुलेटेड फॉर ईच ग्रेड सेपरेटली. तो क्या घर पे दूं तो तुम कर लोगे, ट्राई करोगे? अच्छा, रेडी बैठे रहते हो ना तुम लोग. एग्जाम्पल, ए लिमिटेड ग्रांट टू इट्स ग्रांट 60 शेयर्स. 60 शेयर्स टू इट्स 500 एम्प्लॉइज. विद फॉलोइंग grades, grade 1, 2, or 3 shares 15, 20, or 25. total कितने? 60. लेकिन देंगे कैसे? पहले पर वेस्टिंग पीरियड, पहले साल 15 शेयर्स, दूसरे साल 20 शेयर्स और तीसरे साल 25 शेयर्स हम आपको देंगे. तो वेस्टिंग पीरियड कितना हो गया? 1, 2, or 3. ओके, फेयर वैल्यू सबका अलग अलग. हाँ, 10 रुपए, 12.5 रुपए और 15 रुपए. एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल डिपार्चर, ईयर 1, 2, 3. एक्चुअल कितना छोड़ के गए? 30, 12, 22. और एस्टिमेटेड कितना छोड़ जाएंगे? फर्स्ट ईयर में हमने एस्टिमेट लगाया, ईयर टू में छोड़ जाएंगे 20, ईयर थ्री में छोड़ जाएंगे 40. सेकेंड ईयर के एंड में हमने एस्टिमेट लगाया, ईयर थ्री में छोड़ जाएंगे कितने? 18. फर्स्ट ईयर में तो एस्टिमेट सेकेंड और थर्ड ईयर का ही लगेगा, और सेकेंड ईयर में एस्टिमेट किसका लगेगा? थर्ड ईयर का लगेगा, और थर्ड ईयर में एस्टिमेट नहीं लगेगा. कैलकुलेट एम्प्लॉय एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड. चलो आज मैं ना ये तुमको ही देता हूँ, तुम इसको कैसे सोचते हो. फेयर में मत करना, रफ में करना. देखिए तो सही तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, चलता है कि नहीं चलता है. हर एक को क्या करना है? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट डील करना है. वही लिखने का तरीका वही रहेगा. ईयर वन, ईयर वन में ग्रेड 1, 2, or 3. फिर ईयर टू ग्रेड 1, 2, or 3. ईयर थ्री ग्रेड 1, 2, or 3. ऐसा. बधाई हो, तुम्हारा दिमाग अभी से चलने लग गया है. सर ईयर वन में ग्रेड 1, 2, 3 आएगा, ईयर टू में ग्रेड 1 तो पहले ही चला गया है तो 2 और 3 आएगा, और 3 में सिर्फ ग्रेड 3 आएगा. थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो 3 साल तक चलेगा, ट्राई करना, देखते हैं. चलिए देखें जरा कितना कर पाते हो. प्रोसेस मैंने बता दिया, ईयर वन में ग्रेड 1, 2, 3 तीनों चले थे, तीनों का खर्चा बुक होगा. ईयर टू में ग्रेड 2 और 3, 1 का खर्चा बुक नहीं होगा क्योंकि 1 तो केवल 1 साल का था, वो तो वहीं सारा बुक हो गया है. और ग्रेड ईयर 3 में केवल ग्रेड 3 चलेगा क्योंकि ग्रेड 2 भी 2 सालों का ही था, वो भी 2 सालों में खर्चा बुक होके खत्म हो चुका है, शेयर लेके जा चुके हैं एम्प्लॉइज. क्लियर है? चलिए देखते हैं कितना दिमाग लगा पाते हो.
वेस्टिंग पीरियड से, वेस्टिंग डेट से पहले तो लगता है लेटेस्ट एस्टिमेट, और वेस्टिंग डेट को लगता है एक्चुअल डेटा। दिमाग लगाना। थैंक यू, टेक केयर एंड